हमने लास्ट टाइम मॉड की बात करी थी, आज हम मॉड को ही कंटिन्यू करेंगे। लिख देता हूँ एक बार फिर से क्या बात करी थी हमने। कहा था मॉड एक्स, मॉड एक्स की डेफिनेशन क्या थी हमारे पास, एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो और माइनस एक्स फॉर एक्स लेस देन जीरो, यही डेफिनेशन थी। इक्वल टू कहीं भी लगा सकते हो, दोनों पे भी लगा सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है। तो इसके अलावा इसका ग्राफ बनाया था हमने, और ग्राफ कैसे बनाया था हमने, हमने कहा था वाई इक्वल्स टू मॉड एक्स का ग्राफ बना रहे हैं, तो वाई इक्वल टू मॉड एक्स के लिए वाई किसके बराबर हो गया था, एक्स के बराबर हो गया था फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो। एक्स ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसके लिए ग्राफ कौन सा बना था, वाई इक्वल टू एक्स वाली लाइन बनी थी, और y माइनस एक्स के बराबर हो गया था x लेस देन जीरो, x लेस देन जीरो के लिए कौन सी लाइन बनी थी, y इक्वल्स टू माइनस एक्स। तो ये पूरा वी शेप जो ग्राफ है ये किसका ग्राफ था, y इक्वल टू मॉड x का। डेफिनेशन क्या पढ़ी थी हमने, इनपुट पॉजिटिव होगा तो आउटपुट सेम आएगा, इनपुट नेगेटिव होगा तो आउटपुट माइनस ऑफ द इनपुट आएगा। चिल्लाओ चिल्लाओ साथ में, इनपुट पॉजिटिव होगा तो आउटपुट सेम आएगा, इनपुट नेगेटिव होगा तो आउटपुट माइनस ऑफ द इनपुट आएगा। याद आ गया, कुछ ऐसा भी देखा था हमने कि अगर a का मॉड a के बराबर दिया हुआ है, इसका मतलब a हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि इनपुट और आउटपुट दोनों सेम आए हैं, इसका मतलब या तो वो पॉजिटिव या फिर जीरो। और ऐसे ही अगर a का मॉड मेरे पास माइनस ही आया, इसका मतलब इनपुट और आउटपुट क्या है, आउटपुट क्या है, माइनस ऑफ द इनपुट आया है, तो मैं क्या कह दूंगा, a का मॉड हमारे पास, a हमारे पास लेस देन इक्वल टू जीरो। ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में करी, ठीक है। फटाफट से मैंने एक बार रिवाइज करा दिया है कि ये क्या क्या हमने पढ़ लिया था। स्टार्ट करते हैं आगे की कहानी। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। ग्राफ के थ्रू भी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है वो भी पढ़ेंगे, और वैसे भी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टीज है हमारे पास, पहली प्रॉपर्टी, अगर x का मॉड मेरे पास a है, मॉड का आउटपुट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, मॉड का आउटपुट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। बच्चे कुछ कंफ्यूज हो रहे हैं, देखो ऐसा तुम्हें देखने में लग रहा है मॉड का आउटपुट नेगेटिव दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये a नेगेटिव है, और जब नेगेटिव को माइनस से मल्टीप्लाई कर लोगे तो पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव बनेगी। ये देखो इधर कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि माइनस ए कैसे आ गया। देखो जरा, माइनस टू का जब मॉड लोगे तो क्या आएगा, माइनस ऑफ माइनस टू, तो क्वांटिटी नेगेटिव थी इसलिए माइनस ऑफ इनपुट दिखाई दिया, जो कि एक्चुअल में पॉजिटिव है। तो यहां देखो ए क्या था, नेगेटिव था, इसलिए मैंने माइनस से लिखा है। ए नेगेटिव था, उसे माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया तो ओवरऑल क्या बन गया, पॉजिटिव। कई बच्चे इसको देख के कंफ्यूज हो रहे हैं कि माइनस ए कैसे आ रहा है, माइनस ए आ सकता है क्योंकि ए अगर नेगेटिव, नेगेटिव मतलब माइनस टू मान लो, तो माइनस ऑफ नेगेटिव क्वांटिटी क्या आती है, पॉजिटिव। ए का मॉड का काम ही क्या था, पॉजिटिव करना, पॉजिटिव क्वांटिटी को एज इट इज दे देता है, नेगेटिव क्वांटिटी के लिए वो क्या करता है, एक माइनस साइन और दे देता है ताकि नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव बन जाए। समझ गए विवेकानंद, क्लियर हो गया भाई, है हाँ, चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं कह रहा हूं x का मॉड अगर a है तो x क्या होगा, ये बताना है तुम्हें। मान लो मैंने तुम्हें कहा कि x का मॉड तुम्हारे पास 2 है, तो x तुम्हारे पास प्लस माइनस 2 होगा, क्या कहते हो, क्योंकि 2 का मॉड भी 2 आएगा, माइनस 2 का मॉड भी 2 आएगा। x 2 या माइनस 2 दोनों में से कोई भी वैल्यू ले सकता है, ले सकता है कि नहीं, बिल्कुल ले सकता है। तो हमारे पास यहां से आएगा x इक्वल्स टू प्लस माइनस a, x का मॉड अगर 2 आया तो x क्या आएगा, प्लस माइनस 2, क्योंकि x की जगह पे मैं 2 रखूं या माइनस 2, दोनों का मॉड क्या होता है, 2 होता है। इसको ऐसे भी आ सकता है ये क्वेश्चन कि उसने कह दिया x माइनस 3 का मॉड हमारे पास 5 है, x बता दो, तो मैं क्या करूंगा, इम्प्लाई करेगा x माइनस 3 किसके बराबर है, प्लस माइनस 5 के, तो दोनों के लिए सॉल्व कर दूंगा। एक बार कहूंगा x माइनस 3 5 है, एक बार कहूंगा x माइनस 3 माइनस 5 है, तो यहां से x की वैल्यू आई 8, यहां से x की वैल्यू आई माइनस 2, दोनों आंसर हो जाएंगे, x की वैल्यू 2 माइनस 2 या फिर 8। समझ गए इस प्रॉपर्टी को, x का मॉड a होने का मतलब x प्लस माइनस a होगा। पहली प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है,
ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी में, सेकंड प्रॉपर्टी में वो कहेगा कि एक्स का जो मॉड है वो ए से कम हो गया है, एक्स का मॉड जो है ए से कम हो गया है, अब एक्स की वैल्यू बताओ। एक्स का मॉड अगर ए हो रहा था तो एक्स की वैल्यू हम क्या बता रहे थे, प्लस माइनस है। अब पहले एक मिनट, इसी में एक और एग्जांपल देखो जरा, इसको अभी लिखता हूं अगले पेज पे दोबारा। इसी में एक और एग्जांपल, अगर मैंने कह दिया एक्स का मॉड हो गया माइनस फाइव, बताओ जरा एक्स क्या वैल्यू ले सकता है, चैट बॉक्स में लिख के। एक्स का मॉड हो गया माइनस फाइव, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया, ओ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मजा ही आ गया, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया भाई साहब, इतने होशियार बच्चे मिले हैं ना, मजा ही आ गया, मजा ही आ गया। बस रुक जाओ, अब मत लिखो, बहुत बढ़िया। मेरे पास जो रिप्लाई आया है 55 बच्चों के आया, 55 बच्चे, बाकी तो सो रहे हैं मेरे ख्याल से, लेकिन 55 बच्चों ने रिप्लाई करा पहली चीज, और जिसमें से रिप्लाई सिर्फ 8 बच्चों का सही है। 55 ने रिप्लाई करा है जिसका 8 बच्चों का सही है। एक्स का मॉड अगर नेगेटिव आ रहा है तो एक्स हमारे पास क्या आएगा, नॉट पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मॉड किसी नेगेटिव क्वांटिटी के बराबर हो जाए, क्या कहते हो, ऐसा कभी हो सकता है कि मॉड का आउटपुट नेगेटिव आ जाए, बताना जरा। लोग 5 लिख रहे थे, माइनस 5 लिख रहे थे, सिर्फ 8 या 9 बच्चे, मुझे क्योंकि मैसेज इतने सारे आए हैं, 8 या 9 बच्चों ने सिर्फ आंसर सही लिखा है, उन्होंने लिखा है कि पॉसिबल नहीं होगा, मॉड नेगेटिव नहीं हो सकता, इस तरीके से लिखा है। और जिन्होंने लिखा है ये 8 लोग जाग रहे हैं क्लास में, बाकी लोग अपनी निंद्र अवस्था से बाहर आए। थोड़ा ध्यान से देखो, मॉड का आउट, कोई भी एक्स की वैल्यू दिखा दो दुनिया में जिसका मॉड माइनस फाइव आता हो, कुछ लोगों ने 5 आंसर लिखा है, कुछ ने माइनस फाइव, जरा मुझे बताना 5 का मॉड कितना होता है, वो तो 5 होता है, माइनस 5 का मॉड कितना होता है, वो तो माइनस प्लस 5 होता है। तो ये और ये दोनों मॉड क्या देते हैं, 5 देते हैं, मॉड कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता है। अगला सवाल, x का मॉड अगर 0 है तो x क्या होगा, बोलो, x का मॉड अगर 0 है तो x क्या होगा, बोलो। बिल्कुल सही, अब सबने सही लिखा है, जितनों ने लिख दिया और लोग भी लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया, बस 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 रुक जाओ, सबने सही लिखा है, तो x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, समझ गए। ये पहली प्रॉपर्टी थी, चलो अगली प्रॉपर्टी लिखता हूं। अब जो आगे की प्रॉपर्टी लिखूंगा उसमें ना मुझे मॉड की, ग्राफ की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो मैं एक बार ग्राफ बना लेता हूँ। अजय लिख रहा है नो वीडियो, अजय कल बताया था तरीका, इंडिया में क्या तरीका होता है, अगर वीडियो ऑडियो ना आ रही हो मीटिंग एग्जिट कर, दोबारा से लिंक पे क्लिक करके आ जा। एक ग्राफ बना रहा हूँ साइड पे, ग्राफ को ध्यान से देखना, मॉड का ही बना रहा हूँ, कुछ कुछ चीजें यूज करूंगा इसलिए बना रहा हूँ, अब जो प्रॉपर्टीज आएंगी उसके लिए। ये है हमारे पास ग्राफ, ये y इक्वल टू x लाइन है, ये y इक्वल टू माइनस x लाइन है। मुझे तुमसे एक छोटा सा डाउट पहले पूछना है, y इक्वल टू x और y इक्वल टू माइनस x के बारे में। मुझे ये बताओ, अगर इस पे x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्योंकि y और x बराबर होने। यहां पे अगर x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, बिल्कुल सही, समझ गए, समझ गए, बहुत बढ़िया। अगर मैंने तुम्हें कहा कि यहां पे y हो गया 3, यहां पे y को 3 डालो, x की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू 3 हो गई तो x की वैल्यू क्या आएगी, बहुत बढ़िया, फिर से बहुत कम बच्चों ने सही आंसर दिया है। अगर y की वैल्यू 3 हो गई तो x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 3, कुछ बच्चे 3 लिख रहे हैं, प्लस माइनस 3 आएगी,
y की वैल्यू 3, देखो y को 3 रखो तो 3 इक्वल्स टू मॉड x आया, और 3 मॉड है, मॉड x अगर 3, देखो पहली प्रॉपर्टी अभी पढ़ी थी थोड़ी देर पहले, ध्यान आया, ये तो पढ़ा था, x का मॉड, x क्या आ गया प्लस माइनस 3, देखो y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3 बोला है ना, राइट साइड में थोड़ी कहा मैंने, कहा y की वैल्यू 3, तो y की वैल्यू 3 यहां लिख दो, 3 इक्वल्स टू मॉड x, x की वैल्यू क्या आई प्लस माइनस 3, समझ गए प्लस माइनस 3। अच्छा इस लाइन को पहचानते हो, ऐसे एक लाइन होती है y equals to 3, ये 3 होता है, ऐसी लाइन होती है y equals to 3, होती है या नहीं, तो ये पॉइंट बनेगा 3, 3, और ये पॉइंट बनेगा, अच्छा y की इस लाइन में, बोलो इस लाइन में अगर हमारे पास y की वैल्यू 3 हुई तो x कितना आएगा, यहाँ पे y की वैल्यू 3 है, x कितना आएगा बोलो, माइनस 3, बिल्कुल सही माइनस 3, 3, समझ गए, इसको यूज करूंगा अभी अगले में, देखना जरा ध्यान से, अब ये ग्राफ बना दिया मैंने, ठीक है थोड़ा ध्यान से देखना, मुझे चाहिए सेकेंड प्रॉपर्टी लिख रहा हूं, मुझे चाहिए x का मॉड लेस देन a, a कोई नंबर है, x का मॉड लेस देन a, तो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं, मुझे चाहिए x का मॉड लेस देन 5, मान लो x का मॉड 5 से कम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ग्राफ पे तुम लाइन बनाओगे y इक्वल्स टू 5 वाली, तो ग्राफ पे तुम लाइन बनाओगे y इक्वल टू 5, पहचानते हो ना ऐसी लाइन को, ये तुमने 9th 10th में पढ़ी होगी, ऐसी जो लाइन होती है y इक्वल टू 5 वाली लाइन होती है, जरा ये पॉइंट बता सकते हो मुझे, ये पॉइंट बता सकते हो मुझे, 5, 5, x5, y5, सही कह रहा हूं, ये हो गया 5, 5, ये पॉइंट बता सकते हो, -5, 5, बिल्कुल सही, x -5, y5, तो यहां पे y को मार्क कर रहा हूं 5, यहां पे x को मार्क कर रहा हूं 5, यहां पे x को मार्क कर रहा हूं -5, इतना ग्राफ समझ आ गया, मुझे ये चाहिए था x मॉड, ये ग्राफ किसका है, y इक्वल टू मॉड x का है, ये जो रेड वाला ग्राफ है या नहीं, यस सुनो, बिल्कुल है, तो मैं ऐसे कह दूं कि इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि y मुझे लेस देन 5 चाहिए, क्योंकि x का मॉड और y तो एक ही बात है ग्राफ के अकॉर्डिंग, x का मॉड लेस देन 5 को मैं y लेस देन 5 भी कह सकता हूं, इतना समझ आ गया, यस सुनो, बहुत बढ़िया, अब सुनो, अगर मैं चाह रहा हूं एक्चुअल में y लेस देन 5, इसका मतलब y की वैल्यू 5 से छोटी हो, y की वैल्यू 5 कब हो रही है, इस लाइन पे हो रही है, तो इससे छोटी मतलब y की वैल्यू 5 से कम, मतलब इसे नीचे का ग्राफ शेड कर लूं, ये मेरा रिक्वायर्ड ग्राफ होगा, समझ गए कैसे, क्योंकि इस लाइन पे जो वैल्यू आ रही थी, ये जो लाइन बनाई थी इस पे आ रही थी 5, y की वैल्यू 5 से कम, यहाँ पे नंबर ऐसे होगा ना 4, 3, 2, 1, 0, तो 5 से कम मतलब उससे नीचे का सारा ग्राफ शेड कर लिया, ये मेरे काम का ग्राफ है, शेडेड ग्राफ में किसी को डाउट हो तो बताओ जरा, इसको समझ आ गया, वेल एंड गुड, मेरे ख्याल से तो आ जाना चाहिए, जिसको डाउट हो सिर्फ वही लिखना, किसी ने नहीं लिखा तो हम ये मान लेते हैं कि कोई डाउट नहीं है, ठीक है, तो चलो एक दो बच्चों ने लिखा है, समझ नहीं आया वो लोग फिर से वीडियो को देखना ध्यान से, अगर नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं करा मैंने, y इक्वल टू 5 लाइन बनाई थी, मुझे यहाँ दिखाई दिया कि y की वैल्यू 5 से छोटी चाहिए, छोटी मतलब इससे नीचे, इससे नीचे का ग्राफ शेड कर लिया, ठीक है, ये मेरा रिक्वायर्ड ग्राफ होगा, इस रिक्वायर्ड ग्राफ में क्या मुझे x बता सकते हो कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, ये जो शेडेड ग्राफ में है इसमें x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है बता सकते हो, बिल्कुल सही लिखा है, बिल्कुल सही, इसमें x की वैल्यू ये आ रही है, ये जो मैंने शेड करी है, x की वैल्यू आ रही है -5 से लेके 5 तक, x की वैल्यू आ रही है -5 से लेके 5 तक, लेकिन -5 और 5 इंक्लूड नहीं करने, इसलिए देखो मैंने इक्वालिटी नहीं लगाई, -5 से 5 तक सारी वैल्यूज आएंगी, क्योंकि y 5 से कम चाहिए था, इसलिए x भी 5 से कम और -5 से बड़ा चाहिए होगा, तो हमारे पास क्या बना, प्रॉपर्टी क्या बन गई, प्रॉपर्टी ऐसी होती है, देखो x का मॉड अगर 5 से कम था, x कहां से कहां तक आया, -5 से 5 तक,
तो ये प्रॉपर्टी क्या होगी, एक्स का मॉड अगर कम है ए से तो कहां से आ जाएगा हमारे पास, एक्स आ जाएगा हमारे पास माइनस ए से लेके ए तक, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो एक्स बिलोंग्स टू माइनस ए से लेके ए तक, ये जनरलाइज प्रॉपर्टी है। समझ गए? आज क्या करोगे घर पे, ये ग्राफ और प्रॉपर्टी को याद करोगे, एनालाइज करोगे कैसे करके हमने बनाई थी। अगर ये कंसेप्ट समझ आ जाएगा तो प्रॉपर्टी भी याद रहेगी, एप्लीकेशन जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आएगी इसकी, ठीक है। अब इसी प्रॉपर्टी में अगर यहाँ इक्वल टू लगा दिया, थर्ड प्रॉपर्टी इसी से लिख रहा हूं, अगर x का मॉड लेस देन इक्वल टू a हो गया तो क्या कह दूंगा, x मेरे पास माइनस a से a तक रहेगा। यहाँ पे इक्वल टू हो गया तो यहाँ भी इक्वल टू आ जाएगा, देखो अगर यहाँ पे इक्वल टू हो गया तो यहाँ भी इक्वल टू आ जाएगा दोनों जगह, और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आ जाएंगी, तो तब क्या लिखूंगा क्लोज ब्रैकेट में, या फिर x बिलोंग्स टू माइनस a से लेके a तक क्लोज ब्रैकेट। समझ गए? क्योंकि x का मॉड लेस देन इक्वल टू 5 हो गया मान लो, तो मतलब 5 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, तो x प्लस माइनस 5 दोनों वैल्यू ले सकता है, तो दोनों सेम ही प्रॉपर्टी है। अगर यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है तो नीचे भी नहीं आएगी, यहाँ पे इक्वालिटी है तो नीचे भी आएगी, ये तीन प्रॉपर्टीज होगी। अब जिनको इसमें कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ था, अब दोबारा से देखना, अगली प्रॉपर्टी भी इसी कंसेप्ट से डिराइव करूंगा, तो दोबारा समझने की कोशिश करना। फोर्थ प्रॉपर्टी, अब मैं कह रहा हूं कि x का मॉड मेरे पास a से बड़ा हो गया, फिर से इधर ग्राफ बनाऊंगा, x का मॉड मेरे पास a से बड़ा हो गया, ग्राफ बना देता हूं, ये था हमारे पास x का मॉड क्या हो गया, अब a से बड़ा हो गया। इसका भी एग्जांपल लेके चलता हूं, मान लो फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं कि x का मॉड ग्रेटर देन हो गया 5 ही ले लेता हूं, क्योंकि पिछली वाली थी इसमें भी ले लिया, बिल्कुल सही लिखा है, इसमें भी आंसर लिखा है अभी तक, x का मॉड 5 से बड़ा हो गया, पर अभी आंसर लिखो मत, चैट बॉक्स बंद है, कोई फायदा नहीं होगा। x का मॉड 5 से बड़ा हो गया मतलब x, y x के मॉड के बराबर है अकॉर्डिंग टू ग्राफ, तो मैं कह दूं कि y की वैल्यू 5 से बड़ी हो गई, एक ही बात है ना, क्योंकि हमारे पास x का मॉड और y एक ही बात है, x का मॉड 5 से बड़ा चाहिए, तो मैं कह देता हूं y हमारे पास 5 से बड़ा हो गया, तो मैं क्या करूंगा इसमें y = 5 वाली लाइन बना लूंगा। कौन सी लाइन बना ली मैंने, y equals to 5 वाली, जिनको पिछले में समझ नहीं आया था वो और थोड़ी ध्यान से देखेंगे, y equals to 5 में ये वैल्यू आई यहाँ पे 5, क्योंकि y और x बराबर थे, ये y equal to x लाइन थी, और ये वैल्यू आई यहाँ पे माइनस 5, क्योंकि y और x एक दूसरे के नेगेटिव थे, ये लाइन कौन सी थी हमारे पास, इधर y equal to x थी और इधर y equal to माइनस x थी। अब मुझे y की कौन सी वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू चाहिए जो 5 से ज्यादा है, 5 यहाँ पे है तो y की वैल्यू 6-7 ऊपर ज्यादा होती है, इसका मतलब इससे ऊपर का ग्राफ रिक्वायर्ड है, y की वैल्यू 5 से ज्यादा मतलब इससे ऊपर का ग्राफ रिक्वायर्ड है, तो क्या करेंगे इससे ऊपर के ग्राफ को शेड कर देंगे, इससे ऊपर के ग्राफ को शेड कर देंगे, कर दिया शेड हमने, शेड हो गया, तो इसका मतलब ये मेरा रिक्वायर्ड ग्राफ है जो अब शेड करा है। अब इस शेडेड ग्राफ के लिए देखेंगे कि x कहां से कहां तक वैरी कर रहा है, अब इस पॉइंट के लिए आया था 5, तो इसका मतलब इस ग्राफ के कॉरेस्पॉन्डिंग जो x है वो आगे को जा रहा है, ऐसे इस पॉइंट के लिए आया था माइनस 5, तो इससे पीछे का पूरा ग्राफ ऊपर मतलब पीछे भी जा रहा है वो ग्राफ, इधर का पूरा x, तो x एक्सिस जो कवर हुई वो कितनी हुई माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस 5 यूनियन 5 से लेके इंफिनिटी, क्या कहते हो ऐसे ही दिख रहा है माइनस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी से माइनस 5 यूनियन 5 से लेके इन्फिनिटी, क्योंकि x या तो इधर होगा या फिर इधर होगा, दिस और दिस, और में क्या लेते थे यूनियन, दिस और दिस, मतलब मेरा ग्राफ या तो इधर होगा या फिर इधर, दिस और में क्या होता था यूनियन, तो अगर इस प्रॉपर्टी को लिखूं तो x का मॉड ग्रेटर देन a क्या इंप्लाय करेगा, x इज ग्रेटर देन a और x इज लेस देन माइनस a, x की वैल्यू a से बड़ी होगी या फिर माइनस a से छोटी होगी, इसको ऐसे भी लिख सकते हो x belongs to माइनस इंफिनिटी से माइनस a यूनियन a से लेके इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी से माइनस a यूनियन a से बड़ी या फिर माइनस a से छोटी, यही लिखा ऊपर भी a से बड़ी या फिर माइनस a से छोटी, सही है। और फिर इसी से फिफ्थ प्रॉपर्टी बना लोगे, इसी से फिफ्थ प्रॉपर्टी में क्या होगा, x का मॉड ग्रेटर देन इक्वल्स टू a हो जाएगा, इक्वल्स टू होगा तो यहाँ भी आ जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a और x इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस a, यही दिखाएगा, या फिर क्या लिखूंगा माइनस इंफिनिटी से लेके माइनस a
क्लोज ब्रैकेट में आ जाएगा, ए से लेके इन्फिनिटी क्लोज ब्रैकेट। इक्वालिटी नहीं है तो यहां भी नहीं आएगी, है तो यहां भी आएगी। समझ गए? एक बारी ये जो प्रॉपर्टीज आज लिखी है हमने, ध्यान से देखोगे दोबारा से, खुद से ग्राफ बना के एनालाइज करने की कोशिश करना। जिस दिन चीजें खुद से एनालाइज होनी शुरू हो गई उस दिन तुम्हें आईआईटी में जाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। चीजें जैसे जैसे दिखाई देनी शुरू हो गई ना कि किस वजह से क्या हो रहा है, क्यों हमने ये लिया है, वाई छोटा चाहिए था, क्यों लिया है वाई बड़ा, सीधे अगर देखो किताबों में प्रॉपर्टी लिखी मिल जाएगी, हर जगह हर किताब में लिखता है, हर किताब वाला लिखता है। मैं तुमसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है? 2 मिनट के लिए कंसेप्ट हटा रहा हूँ। फिफ्थ बच्चा एक लिख रहा है, फिफ्थ प्रॉपर्टी रिपीट कर दो। फिफ्थ में कुछ नहीं करा बेटा, इक्वल टू ले लिया बस, यहाँ पे भी इक्वल टू ले लिया, यहाँ पे भी इक्वल टू ले लिया, यहाँ पे भी इक्वल टू ले लिया, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट। जैसे सेकंड और थर्ड सेम थी वैसे ही फोर्थ और फिफ्थ सेम, इक्वल टू है तो इक्वल टू आ जाएगा, नहीं है तो नहीं आएगा, बस इतना ही करा। चलो अभी मैं फ्लो फ्लो में एक बात बताने वाला था, लेकिन प्रॉपर्टी पीस के पूछ के बीच में तुमने वो फ्लो तोड़ दिया, तो मैं दोबारा कभी बताऊंगा फुर्सत में, ठीक है? अब सुनो, जरा ये हो गई 5 प्रॉपर्टीज, एक बार फिर से देखेंगे इन प्रॉपर्टीज को, सब मेरे साथ साथ चिल्लाएंगे घर पे, ठीक है? बता दूंगा घबराओ मत, सब मेरे साथ साथ चिल्लाएंगे। पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, अगर एक्स का मॉड ए है तो एक्स कितना है, प्लस माइनस ए, सही है? दूसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, अगर x का मॉड हमारे पास a से छोटा है तो x क्या है, माइनस a से a तक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस a से, सॉरी इक्वल टू नहीं आएगा, a तक है, ठीक है? तीसरी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, x का मॉड लेस देन इक्वल टू a है अगर, तो माइनस a से a तक होगा x, सही है? और या फिर ये कह सकते हैं माइनस ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू ए, ऐसे भी कह सकते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, अगर एक्स का मॉड ए से बड़ा है तो क्या बोलेंगे हम, माइनस इनफिनिटी से माइनस ए यूनियन ए से लेके इनफिनिटी, या फिर ऐसे कह सकते हैं एक्स इज ग्रेटर देन ए और एक्स इज लेस देन माइनस ए। और फोर्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी है, एक्स का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू अगर ए है हमारे पास तो हम क्या कह देंगे, हम ये कह देंगे कि हमारे पास x माइनस इनफिनिटी से माइनस a क्लोज ब्रैकेट यूनियन a से लेके इनफिनिटी क्लोज ब्रैकेट, इनफिनिटी इस पे तो ओपन ही आते, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू a और x लेस देन इक्वल टू माइनस a। इनको ध्यान रखना, ये जो मैंने इसमें लिखे ना, ये इनइक्वालिटी सॉल्व करते हुए काम आएंगे। x ग्रेटर देन इक्वल टू a का मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a और x इज लेस देन इक्वल टू माइनस a। ये अभी तक इतनी प्रॉपर्टीज पड़ी हैं। चलो चले आगे जिंदगी में, ये 5 प्रॉपर्टीज अभी तक पड़ी है, और ये लास्ट की 4 प्रॉपर्टीज हमने ग्राफ से देखी है, ये भी ग्राफ से भी देख सकते हो क्योंकि y इक्वल टू a वाली लाइन जो मीट कर रही थी जिस पॉइंट पे, लेकिन ये हमने वैसे भी देखी, ठीक है? अब देखो आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब इन प्रॉपर्टीज पे बेस्ड तुम्हारे पास इनइक्वालिटी आएंगी सॉल्व करने के लिए, इन प्रॉपर्टीज पे बेस्ड तुम्हारे पास क्या आएगी, इनइक्वालिटी आएगी जो कि तुम्हें सॉल्व करनी होगी। अब वो इनइक्वालिटी आएगी कैसे, अभी थोड़ी देर में तुम्हें दिखा दूंगा मैं। मान लो क्वेश्चन आया, कैसे आया क्वेश्चन, मान लो कुछ ऐसा आया कि x माइनस टू का मॉड लेस देन 3 है, सॉल्यूशन सेट बताओ, तो तुम क्या कहोगे, समथिंग का मॉड, ये इसको क्या मान लोगे, एक क्वांटिटी, इसका मॉड अगर 3 से छोटा है तो मैं कह सकता हूँ x माइनस टू मेरे पास माइनस 3 से 3 तक होगा, क्या कहते हो, क्या कहते हो, ऐसा कह सकता हूँ या नहीं, यस या नो? बहुत बढ़िया, कह सकते हो, यही प्रॉपर्टी लगाई है मैंने, प्रॉपर्टी अभी पढ़ी थी, अगर x का मॉड a से छोटा है तो x माइनस a से ही होगा, मैंने कह दिया कि अगर ये इसका मॉड 3 से छोटा था तो ये क्वांटिटी माइनस 3 से 3 होगी, सही है? अब देखो इनइक्वालिटी में दोनों साइड ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनइक्वालिटी में दोनों साइड ऐड या सब्ट्रैक्ट, जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस टू कर रहा हूँ हर साइड, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो क्यों नहीं पड़ता, 1 2 3 इस ऑर्डर में होते हैं, सब में 5 5 ऐड कर दो, ये 6 बना, ये 7 बना, ऑर्डर सेम रहा, ऐसे मल्टीप्लाई या कुछ मत करना, क्योंकि मल्टीप्लाई में दोनों साइड मल्टीप्लाई पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क पड़ता था, याद है?
अभी मैंने प्लस कर लिया, ये कितना बना मेरे पास, ये बना माइनस वन, ये कितना बना एक्स, ये कितना बना फाइव। एक्चुअल में मुझे एक्स पता लगाना था इसलिए मैंने प्लस टू एड करा। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या हुआ, ये हुआ, इसका सॉल्यूशन सेट क्या हुआ, ये हुआ। समझ गए? एक बात ध्यान से देखो, इसका मॉड लेस देन थ्री चाहिए था तो ये क्वांटिटी माइनस थ्री से थ्री आ गई। अब यहां पे x माइनस टू था, x माइनस टू ऐसे लिखा हुआ था, x माइनस टू माइनस थ्री से लेके थ्री तक, मैं बीच में x बनाना चाहता हूं क्योंकि मुझे x पता चलना चाहिए कहां से कहां तक है। मैं क्या कर रहा हूं, प्लस टू कर रहा हूं हर तरफ। ध्यान से देखो, खुद से कॉपी में करके देखो, क्लियर हो जाए। चलो आगे चलते हैं। अब देखो इसी को मैं दोबारा करता हूं, थोड़ा और ट्रिक बताता हूं, एक और ट्रिक, इसी को दोबारा करता हूं। x माइनस टू का मॉड लेस देन थ्री, ये था ना क्वेश्चन, तो हमने इससे क्या लिखा था कि x माइनस टू हमारे पास माइनस थ्री से थ्री तक हुआ। एक तो तरीका वो था कि मैं प्लस टू कर लूं, हालांकि वो आसानी तरीका था, लेकिन मान लो कुछ बच्चों को वो समझ नहीं आता फॉर एग्जाम्पल, तो एक और तरीका बता देता हूं मैं। इन दोनों, एक इनइक्वालिटी ये है, एक ये है, दोनों को अलग अलग लिख रहा हूं, एक ये है एक ये है, दोनों को अलग अलग लिख रहा हूं। देखो कैसे लिख रहा हूं, क्या बनेगा ये, x माइनस टू ग्रेटर देन माइनस थ्री बनेगा या नहीं, एक इनइक्वालिटी x माइनस टू ग्रेटर देन माइनस थ्री, दूसरी इनइक्वालिटी बनेगी x माइनस टू लेस देन थ्री। देखो जरा ये ऐसे आ रहा था, तो मैं इतना पहले देखता हूं ध्यान से, क्या कह रहा है मुझे, x माइनस टू माइनस थ्री से बड़ा होना चाहिए, मैंने लिख दिया। इसको ध्यान से देखता हूं तो ये कह रहा है x माइनस टू थ्री से छोटा होना चाहिए, मैंने लिख दिया, दोनों इनइक्वालिटी लिख दी। अब मुझे बीच में डिसाइड करना है कि मैं एंड लिखूं या और लिखूं, जरा मुझे बताओ एंड लिखूं या और लिखूं। बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया, लेकिन आधे एंड कह रहे हैं आधे और कह रहे हैं, जितने भी मैसेज आ रहे हैं आधे एंड आधे और के ज्यादा आ रहे हैं। चलो रुक जाओ, इसका मतलब अभी सबको कंसेप्ट क्लियर है नहीं, सुनो जरा, एक इनइक्वालिटी ये है, तुम उसी तरीके से देखा करो, क्या मुझे ये सॉल्व करना है ना, मुझे ये वाला पार्ट चाहिए सॉल्व करने में, ये सॉल्व करना है, ये लिख लिया, ये दूसरा पार्ट है ये भी लिख लिया, मुझे इसकी भी बात माननी है और इसकी भी, एंड जब दोनों की बात माननी हो तो क्या आता है एंड, मुझे एक्स माइनस टू माइनस थ्री से बड़ा चाहिए क्या नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए, और थ्री से छोटा चाहिए वो भी चाहिए, दोनों चीजें जरूरी है मेरे लिए, दोनों जरूरी है, तो ये वाला भी चाहिए एंड ये वाला भी चाहिए। एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, अभी बाद में लेंगे, फिलहाल अभी एंड लिख दिया बीच में, समझ गए। अब एंड लिख दिया, अब देखो जरा क्या बनेगा, एक्स ग्रेटर देन ये इधर आ जाएगा, क्या बनेगा माइनस वन बनेगा या नहीं, इसको सॉल्व करूंगा ये बनेगा एक्स लेस देन फाइव, नंबर लाइन बनाता हूं माइनस वन फाइव, ये कह रहा है x की वैल्यू माइनस वन से बड़ी इधर लिख दी, ये कह रहा है x की वैल्यू फाइव से छोटी इधर बना दी, दोनों का क्या लेना है इंटरसेक्शन, क्या आंसर आया माइनस वन से लेके फाइव, यही आंसर आया कि नहीं, माइनस वन से लेके फाइव। और जरा उससे देखो, x माइनस टू माइनस थ्री से थ्री तक था तो प्लस टू कर दिया था जब हर साइड मैंने, पिछले वाला मेथड जो पिछले पेज पे करा, तो क्या आया था माइनस वन एक्स फाइव, तब भी क्या आया था माइनस वन से लेके फाइव आया था, अभी भी क्या आया माइनस वन से लेके फाइव आया, कंसेप्ट समझ आया। तो ऐसे इंटरसेक्शन लेके भी कर सकते हो, ऐसे प्लस माइनस करके भी, लेकिन ये वाला तरीका ना प्लस माइनस वाला, अब मान लो बीच में क्वाड्रेटिक बन जाती, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, मान लो ऐसे बन जाती है, ये इधर आता माइनस टू इधर आता, तो एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। अब कुछ लोग क्या करते हैं, मैं ऐसे रेंडम एग्जाम्पल लिखता हूँ, इसी को सॉल्व करने लगते हैं, इसको मत किया करो, इसमें तो ऊटपटांग सी वैल्यू आएंगी, खुद ही परेशान हो जाओगे। मान लो मेरे पास क्वेश्चन आया एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन मॉड लेस देन टू चाहिए, तो मैंने ऐसे लिख दिया, अब मैं बीच में तो एक्स बना ही नहीं सकता, कुछ भी प्लस माइनस कर लूं बीच में तो एक्स बन ही नहीं रहा, तो मैं इस इनइक्वालिटी को अलग से सॉल्व करूंगा और मैं इस इनइक्वालिटी को अलग से सॉल्व करूंगा। इसके लिए लिख दूंगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन ग्रेटर देन माइनस टू एंड एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन लेस देन टू, यहां से सॉल्व करके आंसर निकालूंगा, यहां से सॉल्व करके आंसर, दोनों का क्या ले लूंगा इंटरसेक्शन। एंड और ये मेन रोल प्ले करेंगे प्रॉपर्टी के बाद, एंड मतलब दोनों चाहिए, मुझे माइनस टू से बड़ा चाहिए हाँ चाहिए, टू से छोटा चाहिए हाँ चाहिए, दोनों चाहिए दोनों चाहिए, दोनों चाहिए तो क्या लिखूंगा एंड,
अगर कोई एक चाहिए होता, अब देखो और एग्जांपल देता हूं तुम्हें, अगर कोई एक चाहिए होता, जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया x माइनस टू का मॉड ग्रेटर देन इक्वल्स टू थ्री, ये आ गया x माइनस टू का मॉड ग्रेटर देन इक्वल्स टू थ्री, तो प्रॉपर्टी याद करो क्या लिखूंगा, x माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू थ्री और x माइनस टू लेस देन इक्वल्स टू माइनस थ्री, यही प्रॉपर्टी थी ना, देखो यहां लिखी हुई है प्रॉपर्टी, यहां लिखी हुई है प्रॉपर्टी क्या थी मेरे पास, x का मॉड ग्रेटर देन इक्वल्स टू a, इसका मतलब x a से बड़ा होगा या फिर x माइनस a से छोटा होगा, और होता था इसमें क्या लिखूंगा मैं, x माइनस टू x थ्री से बड़ा हो, ये पूरी क्वांटिटी थ्री से बड़ी होगी या फिर माइनस थ्री से छोटी होगी, समझ गए, यहां से आया x ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव और x लेस देन इक्वल टू माइनस वन, तो क्या आंसर आएगा, ये कह रहा है फाइव से लेके इन्फिनिटी और ये कह रहा है माइनस वन से लेके, सॉरी लेस देन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस वन, और का मतलब क्या है, यूनियन लेना है, तो क्या लिख दूंगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन फाइव से लेके इन्फिनिटी, ये आंसर आ जाएगा। हालांकि अभी क्वेश्चन हम लोग और भी करेंगे, आपको बुकलेट वो क्या कहते हैं असाइनमेंट भी दूंगा करने के लिए, लेकिन अभी जो प्रॉपर्टीज हमने आज पढ़ी उन्हें कैसे कैसे अप्लाई करना है, और अब क्या चाहता था मैं, दिस और का मतलब यूनियन, समझ गए, वीडियो को ध्यान से देखोगे बच्चे लिख रहे हैं वो वाली बात बता दो जो बताने लगे थे उस टाइम, बता दूंगा तुम चिंता मत करो, सारी बातें बताऊंगा तुम्हें मैं, अपने पास बातें रख के करूंगा, अभी क्या बताऊं, इंटीग्रेशन की डीपीपी मिल जाएगी बेटा आज या कल में, क्योंकि आज ही उसकी रिकॉर्डेड लेक्चर डाला है ना, पहले आराम से रिकॉर्डेड लेक्चर देख ले बच्चे सारे, उसके बाद मिल जाएगी। चलो अब कुछ और प्रॉपर्टीज आगे बढ़ाते हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, ये पांच प्रॉपर्टीज हमें पता चल गई, हमने अप्लाई भी करके देखी कुछ कुछ क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होनी है, हालांकि जो मैं तुम्हें डीपीपी दूंगा उसमें भी अप्लाई करके देखोगे, ठीक है, लेकिन अब मैं तुम्हें कुछ कुछ प्रॉपर्टीज और बता रहा हूँ। अब जो प्रॉपर्टीज आएंगी वो कॉमन सेंस वाली आएंगी, कौन सी आएंगी, कॉमन सेंस वाली प्रॉपर्टी आएंगे, ठीक है, अगर ए और बी दो क्वांटिटीज हैं, पहली प्रॉपर्टी लिखो, वो पांच दो अलग थी यहाँ पे, तो ए का मॉड प्लस बी का मॉड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए प्लस बी का मॉड, ए का मॉड प्लस बी का मॉड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए प्लस बी का मॉड, ये पहली प्रॉपर्टी है, जरा इसको एनालाइज करा रहा हूं ध्यान से देखना, ए और बी दो नंबर है, नंबर्स की तरह पहचानो इसको, ए और बी दो नंबर है, अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हुए, अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हुए तो लेफ्ट हैंड साइड में ये नंबर और ये नंबर फाइनली ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे, अगर दोनों नंबर पॉजिटिव हुए तो लेफ्ट हैंड साइड में वो ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे, बिल्कुल सही लिखा है, बिल्कुल ही सही लिखा है, सबने सही लिखा है, बस रुक जाओ अभी लिखना नहीं है, बस मन में सोच लिया करो, ठीक है, जब मैं आंसर पूछू ना कोई तब लिखा करो, बाकी मन में सोच लिया करो, जब मैं लिखने को कहूं तब लिखा करो, ऐड होंगे दिखाई दे रहे हैं। अब मैंने पूछा कि एक पॉजिटिव है इनमें से एक नेगेटिव है, तब लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे, अब लिखो, बहुत बढ़िया सभी ने सही लिखा है, एक दो ने गलत लिख दिया बीच में, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ए देखो इधर ध्यान से, ए पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, ओवरऑल तो ये पॉजिटिव ही रहना है, ओवरऑल तो ये पॉजिटिव ही रहना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो हमेशा एडिशन ही होनी है, इररेस्पेक्टिव कि ए और बी का साइन क्या है, इतना पॉइंट जिसको नहीं समझ आया वो चैट बॉक्स में लिखो एक बार, मैं कह रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड में तो हमेशा ऐड होंगे चाहे इनका कोई भी साइन हो, क्योंकि ए पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी है मॉड उसको पॉजिटिव कर देगा, बी पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी है मॉड उसको पॉजिटिव कर देगा, और कर देगा तो दोनों ऐड जरूर होंगे, लेकिन राइट हैंड साइड में ऐसा नहीं होगा, चंदन ध्यान से सुनो थोड़ी, राइट हैंड साइड में ऐसा नहीं होगा, क्यों, अगर मान लो दोनों पॉजिटिव हुए, केस बना देता हूं, मान लो सारे लिख देता हूं तुम्हारे लिए, देखो इधर, अगर दोनों पॉजिटिव हुए तो राइट हैंड साइड क्या होगी, ऐड होगी, होगी या नहीं, अगर एक प्लस माइनस हुआ
राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होगी, होगी या नहीं? अगर ये माइनस ये प्लस हुआ तब भी सब्ट्रैक्ट होगी, होगी या नहीं? और अगर दोनों नेगेटिव हुए तब ऐड होगी, माइनस माइनस तो दोनों प्लस हो जाते हैं, समझ गए? लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा एडिशन हो रही है, राइट हैंड साइड में एडिशन भी हो सकती है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है, डिपेंड करेगा इनके साइन पे, करेगा या नहीं करेगा। तो हमने क्या लिखा है, अगर तो दोनों साइड एडिशन हुए, अगर दोनों साइड एडिशन हुए तो क्या हो जाएगा हमारे पास, दोनों साइड बराबर हो जाएंगे। और अगर इस साइड एडिशन इस साइड सब्ट्रैक्शन हुआ तो ये साइड छोटी हो जाएगी, हो जाएगी या नहीं? तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इस केस में हमेशा बड़ी रहेगी या फिर बराबर हो जाएगी राइट हैंड साइड के। और यही तो हमने प्रॉपर्टी में लिखा है, a का मॉड प्लस b का मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल टू a प्लस b का मॉड। अगर दोनों सेम साइन के हुए, देखो अगर दोनों सेम साइन के हुए, a और b दोनों सेम साइन, तो इधर भी ऐड, तब क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएंगे, तब बराबर इक्वल टू होल्ड करेगा, लेफ्ट हैंड साइड भी ऐड राइट हैंड साइड भी ऐड। अगर दोनों ऑपोजिट साइन के हुए, अगर दोनों ऑपोजिट साइन के हुए तब ग्रेटर देन आएगा, तब लेफ्ट हैंड साइड ज्यादा हो जाएगी राइट हैंड साइड। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में लिख दो, पूरा रिपीट करने को मत लिखना, बस अपना डाउट लिख देना, पूरा रिपीट के लिए वीडियो मिलेगी, आराम से देखना, बहुत ही आसान चीज है, नंबर्स की तरह देखो इसको, प्लस माइनस साइन की तरह, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होना ही होना है, उसको कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती उसको। यहाँ पे डिपेंड करेगा उनके साइड क्या है। बेटा जिनको वीडियो क्लियर नहीं आ रही है तो या तो मीटिंग लीव करके दोबारा एंटर करो, वीडियो गायब हो गई है किसी की क्योंकि तुम्हारे नेटवर्क सही नहीं चल रहे होंगे, समझ गए? अभी इस पे क्वेश्चन कराऊंगा, पहले प्रॉपर्टी बता रहा हूं, आगे चलते हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखना, इस पॉइंट को ध्यान रखना, थोड़ी देर में इससे नई प्रॉपर्टी बना दूंगा। और अब जो प्रॉपर्टीज बता रहा हूं, अब जो प्रॉपर्टीज बता रहा हूं इसको याद नहीं रखने हैं। देखो एक एग्जांपल दे रहा हूं, बच्चे बार बार कह रहे हैं एग्जांपल दे दो, हालांकि जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी कह रहे हो। मान लो ए को मैंने ले लिया 5, बी को मैंने ले लिया माइनस 2, तो इधर क्या आएगा, 5 का मॉड प्लस माइनस 2 का मॉड और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 माइनस 2 का मॉड, ऐसा आएगा ना। इधर देखो 5 प्लस 2 7, इधर ऐड होना ही होना है, कोई रोक पाया इनको ऐड होने से? नहीं। लेकिन यहाँ क्या होगा, ये वो सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ पे बनेगा 3 और यहाँ पे बनेगा 7, बड़ा है या नहीं है? बिल्कुल है। और अगर बाय चांस ये 5 होता और ये 2 होता तो 5 का मॉड प्लस 2 का मॉड बनता और इधर क्या बनता, प्लस, तो दोनों साइड क्या बनता, 7 बनता। 5 का मॉड प्लस 2 का मॉड रिटर्न इक्वल टू 5 प्लस 2 का मॉड, इसमें क्या लिया मैंने, ए को 5 बी को 2, दोनों को सेम साइन का लिया, तो 7 रिटर्न इक्वल इक्वालिटी होल्ड कर गई या ना, इक्वल टू, तब इक्वल टू वाला साइन होल्ड कर गया, दोनों में से कोई भी होल्ड करेगा इक्वालिटी सेटिस्फाइड ही रहेगी। पॉइंट समझ गए? अगर दोनों नेगेटिव हो गए तब भी लेफ्ट और राइट साइड बराबर हो जाएंगे। देखो ये लिखा है मैंने, अगर दोनों का साइन सेम है, साइन सेम है मतलब दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, अगर दोनों का साइन ऑपोजिट है, ऑपोजिट मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, देखो ये ऑपोजिट साइन का केस है, ये दोनों सेम साइन का केस है, समझ गए? अब एक बच्चे ने लिखा राइट हैंड साइड में ए नेगेटिव हो बी पॉजिटिव हो, कोई बात नहीं, ए नेगेटिव ले लो बी पॉजिटिव ले लो तब भी होल्ड करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तुम इनफाइनाइट एग्जांपल बना सकते हो घर पे बैठे बैठे, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। देखो तो पहली प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी वो क्या पढ़ी, a का मॉड प्लस b का मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू a प्लस b का होल मॉड, ये पढ़ी। और ये इसका लॉजिक क्या था कि लेफ्ट हैंड साइड में दोनों को ऐड होना है, इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में दोनों को ऐड होना है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है, यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों हो सकते हैं, दोनों सेम साइन के हुए तो ऐड होंगे, ऑपोजिट साइन के हुए तो सब्ट्रैक्ट होंगे, अगर इधर भी ऐड तो क्या आएगा, इक्वल टू, और अगर दो इधर ऐड इधर सब्ट्रैक्ट तो ये साइड बड़ी, तो दोनों ही सर्कमस्टेंसेस में ये साइड बड़ी रहेगी एज कंपेयर टू दिस, समझ गए? अब मैंने तुमसे एक क्वेश्चन पूछा छोटा सा,
मैंने तुमसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने कह दिया ए का मॉड प्लस बी का मॉड ए प्लस बी के मॉड के बराबर है, तो इससे तुम कुछ कॉमन सेंस कोई कमेंट कर सकते हो कॉमन सेंस से ए और बी पे? मैंने तुम्हें क्वेश्चन में कह दिया ए का मॉड प्लस बी का मॉड बराबर है ए प्लस बी के मॉड के, तो कुछ कमेंट कर सकते हो? बिल्कुल सही कमेंट कर रहे हैं कुछ कुछ बच्चे, बहुत बढ़िया। मैंने अभी पिछले पेज पे भी लिखा था दिस इम्प्लाइज ए एंड बी आर ऑफ सेम साइन, दिस इम्प्लाइज ए एंड बी आर ऑफ सेम साइन, ए और बी सेम साइन के हैं। सही है। ऐसे ही अगर ए का मॉड प्लस बी का मॉड मैंने कह दिया ग्रेटर देन है ए प्लस बी के मॉड से, तो क्या कह सकते हो? ए एंड बी आर ऑफ ऑपोजिट साइन, ए एंड बी आर ऑफ ऑपोजिट साइन। देखो फिर से समझाने की कोशिश करता हूं, जो एक दो बच्चे रह गए हैं जिनको अभी भी समझ नहीं आया। इधर देखो ऐड होना ही होना है। अब मैं चाहता हूँ ये साइड इस साइड से बड़ी रहे, तो मैं चाहूंगा कि इधर सब्ट्रैक्ट हो जाए नंबर, क्योंकि ये साइड बड़ी चाहिए, इधर ऐड हो रहे हैं तो इधर मैं चाहूंगा सब्ट्रैक्ट हो जाए। अब सोचो ये दोनों सब्ट्रैक्ट कब होंगे? सब्ट्रैक्ट तब होंगे जब दोनों ऑपोजिट साइन के होंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो सीधे कमेंट कर सकते हो दोनों ऑपोजिट साइन। इधर क्या हो रहे हैं? दोनों ऐड हो रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड तो फिक्स ही ऐड होना ही होना है। राइट हैंड साइड में भी मैं चाहूंगा ऐड हो जाए, क्योंकि मैं चाहता हूं दोनों बराबर हो, बराबर के लिए दोनों साइड एडिशन चाहिए होगा। अब ये दोनों ऐड कब होंगे? जब दोनों सेम साइन के होंगे, या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव, दोनों ही केसेस में तो नेगेटिव नंबर भी आपस में ऐड होते हैं तो पॉजिटिव नंबर भी आपस में ऐड होते हैं। बाहर मॉड तो लगा ही हुआ है, वो नेगेटिव को अपने आप क्या बना लेगा? पॉजिटिव। तो हमने कह दिया सेम साइन। पॉइंट समझ गए? कोई डाउट इतने में? बहुत देर लगाई है मैंने एक प्रॉपर्टी समझाने में, कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब जैसे ही तुम्हें ये प्रॉपर्टी समझ आ गई, अगर तुम्हारे दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो गई है ये प्रॉपर्टी, तो आगे की दुनिया की जितनी प्रॉपर्टीज मैं लिखूंगा सारी तुम अपने आप बता दोगे। देखो ठीक है, पहले मैं तुम्हें कुछ चीजें और बता देता हूँ इसी प्रॉपर्टी पे। सेम देखो, अगर मेरे पास सेम साइन, सेम साइन का मतलब होता है ए इंटू बी इज ग्रेटर देन जीरो। सोचो जरा, मैंने कहा दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब आइदर वो दोनों पॉजिटिव थी और वो दोनों नेगेटिव थी। तो मैं ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, दोनों सेम चीज है, ये किसको पता नहीं चला? ए बी ग्रेटर देन जीरो लिखूं या फिर लिखूं कि दोनों सेम साइन के हैं? क्योंकि अगर ए इंटू बी ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, इसका मतलब मैं क्या कह देता हूं कि मेरे पास दोनों पॉजिटिव होंगे तभी पॉजिटिव आ रहा है, या दोनों नेगेटिव होंगे तभी नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है। जीरो का केस, यहाँ पे इक्वालिटी थी तो यहाँ भी इक्वालिटी आ जाएगी, सिंपल। इसमें यही है सेम, इक्वालिटी यहाँ पे थी तो यहाँ भी आई, क्योंकि दोनों जीरो हो जाएंगे तब भी देखो लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर आ रही है, तो ये एक जीरो हो जाएगा तब भी आ रही है। तो सेम साइन को अब ये स्टेटमेंट लिखने की बजाय इन फ्यूचर मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, ए इंटू बी ग्रेटर देन जीरो इक्वल टू, क्योंकि इक्वालिटी थी। ऐसे ही ऑपोजिट साइन को क्या लिखूंगा? ए इंटू बी लेस देन जीरो। ये पूरी स्टेटमेंट ए इंटू बी, मैंने तुम्हें कहा दो नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव है तो तुम क्या कह सकते हो? एक पॉजिटिव रहा होगा एक नेगेटिव रहा होगा, तभी तो मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव आया, इसको क्या कह देंगे? बोथ आर ऑफ ऑपोजिट साइन। ये ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, दोनों एक ही चीज है। समझ गए? कोई दिक्कत मेरे ख्याल से इसमें होनी नहीं चाहिए। ये पहली प्रॉपर्टी के तीन पार्ट हो गए। अब ये पहली प्रॉपर्टी का पार्ट वन, पहली प्रॉपर्टी का पार्ट टू, पहली प्रॉपर्टी का पार्ट थ्री। अब दूसरी प्रॉपर्टी लिखता हूं, फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट रह गया हो और ध्यान से सुनना, दूसरी से क्लियर हो जाएगा। अब मैंने तुम्हें कहा a का मॉड प्लस b का मॉड ग्रेटर देन इक्वल्स टू a माइनस b का मॉड, ये पहला पार्ट, ये तो हमेशा होल्ड करेगा। a का मॉड यहां लेफ्ट हैंड साइड में बताओ जरा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, a या s लिख देना। एडिशन, बिल्कुल सही, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, इधर तो एडिशन होना ही होना है। इधर 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 एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों हो सकते हैं, इधर एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों हो सकते हैं, डिपेंड करेगा इनके साइन कैसे हैं। तो एक एक करके वो भी केस ले लेते हैं, लेकिन अगर एडिशन हुआ तो दोनों साइड बराबर रहेंगी, अगर इधर सब्ट्रैक्शन हुआ तो ये साइड छोटी हो जाएगी, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी तो हमेशा होल्ड करेगी ही करेगी। सही बात है,
है। अब इसी का सेकंड पार्ट, मैंने कहा कि मुझे ए का मॉड प्लस बी का मॉड बराबर चाहिए ए माइनस बी के मॉड। अब ऊपर वाला पार्ट भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, मैंने तुम्हें कहा कि ऊपर वाला पार्ट भूल जाओ, उसको हटा दिया मैंने स्क्रीन से, ठीक है? तुम फ्रेश माइंड से सोचो, मुझे चाहिए कि ए का मॉड प्लस बी का मॉड, मुझे ये बता दो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, क्या कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। लेफ्ट हैंड साइड में भी मुझे क्या चाहिए होगा, एडिशन चाहिए होगा, ताकि दोनों साइड बराबर आए। अब ए और बी दो नंबर ऐसे लिखे हुए हैं और मैं चाहता हूं आपस में दोनों ऐड हो, तो दोनों ऐड कब होंगे, जब दोनों ऑपोजिट साइन के होंगे। सबने आंसर सही लिखा है, तो मैं कह दूंगा दिस इंप्लाइज ए इंटू बी इज लेस देन इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब क्या है हमारे पास, ऑपोजिट साइन। ऑपोजिट साइन क्यों कह रहा हूं, मान लो ए की वैल्यू हो गई 5, बी की वैल्यू हो गई -2, तो 5 माइनस ऑफ -2, देखो क्या हो गए आपस में, 5 + 2 ऐड हो गए या नहीं हो गए, हो गए। हम क्या चाहते थे, ऐड करना। मान लो ए की वैल्यू हो गई -4, बी की वैल्यू हो गई 3, ऑपोजिट साइन लिया, ए की वैल्यू -4, तो -4 -3 मॉड, आपस में क्या हो गए, ऐड हो गए, हो गए या नहीं, हम चाहते थे इनको ऐड करना, सही है? तो ए का मॉड प्लस बी का मॉड, अगर ए माइनस बी का मॉड आ जाए तो इसका मतलब, अब देखो ये प्रॉपर्टीज याद थोड़ी ना कर रहे हैं हम, ये तो खुद ही लिख रहे हैं हम, अगली भी लिख लेते हैं सेम। ए का मॉड प्लस बी का मॉड अगर हमारे पास मुझे ग्रेटर देन चाहिए हो ए माइनस बी के मॉड से। अब सोचो इधर क्या हो रहा है, एडिशन, इधर तो कोई नहीं बदल सकता। अब मुझे इधर चाहिए होगा सब्ट्रैक्शन, क्योंकि ये साइड मुझे छोटी चाहिए, और सब्ट्रैक्शन के लिए मैं क्या कह दूंगा कि वो सेम साइन। सेम साइन का मतलब ए बी ग्रेटर देन जीरो। अब यहाँ पे इक्वालिटी नहीं थी इसलिए मैंने भी इक्वालिटी नहीं लगाई है, समझ गए? प्रॉपर्टी लिखनी आ गई, एक बार आज खुद से लिख के देखना घर पे, जब मैं वीडियो भेजूंगा वीडियो के साथ साथ लिखना खुद से, ठीक है? थर्ड पे चलते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी पे। इसके दो तीन पार्ट होते हैं हर प्रॉपर्टी के, ठीक है? थर्ड प्रॉपर्टी का पहला पार्ट, अब क्या हुआ, इधर आ गया ए का मॉड माइनस बी का मॉड का होल मॉड लेस देन इक्वल्स टू ए का मॉड, सॉरी लेस देन इक्वल्स टू ए माइनस बी का मॉड, ये लिखा है मैंने। अब देखो जरा लेफ्ट हैंड साइड, अच्छा ये मॉड क्यों लगाया मैंने, ताकि ओवरऑल क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाए, बाहर वाला मॉड, क्योंकि ये भी मॉड लगा हुआ है ना बाहर, इधर तो पॉजिटिव आना है तो इधर भी ओवरऑल पॉजिटिव आए। मुझे ये बताओ लेफ्ट हैंड साइड में अब तो सब्ट्रैक्शन होनी है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, क्या कहते हो, यस और नो? लेफ्ट हैंड साइड में सब्ट्रैक्शन होनी है, चाहे उनका साइन कुछ भी हो, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी, सही कह रहा हूं? बहुत बढ़िया। और राइट हैंड साइड में एडिशन और सब्ट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, इनके साइन पे डिपेंड करेगा, सही कह रहा हूं? बिल्कुल सही। अगर दोनों में सब्ट्रैक्शन हुआ तो वो बराबर हो जाएंगे, इधर एडिशन हो गया तो ये साइड बड़ी हो जाएगी, इसलिए इस बार ये वाली साइड बड़ी लिखी है मैंने, समझ गए होगे? अब इसके बाकी दो पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट मैं क्या चाहूंगा, ए का मॉड माइनस बी का मॉड होल मॉड मुझे चाहिए लेस देन ए माइनस बी, और थर्ड अपने दिमाग में सोचते रहो, थर्ड पार्ट में ए का मॉड माइनस बी का मॉड होल मॉड मुझे चाहिए इक्वल्स टू ए माइनस बी, मॉड लगा लेता हूँ। अब तुम्हें मुझे बताना होगा ऑपोजिट या फिर सेम साइन, सोच लिया होगा मेरे ख्याल से इतने में। देखो जरा लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो रही है, सब्ट्रैक्शन, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, तो ये छोटा चाहिए तो मुझे इधर चाहिए होगा एडिशन, क्योंकि मैं चाहता हूँ लेस देन ये साइड बड़ी हो, और एडिशन चाहिए तो अब मुझे इस सर्कमस्टांसेस में बताओ एडिशन कब हो सकता है। ऐसे ऐसे नंबर लिखे हुए हैं ए और बी, तो एडिशन कब हो सकता है, जब ए एंड बी आर ऑफ ऑपोजिट साइन, और ऑपोजिट साइन का मतलब ए इंटू बी लेस देन जीरो। अगर सेम साइन के हो गए तो सब्ट्रैक्ट ही हो जाएंगे, मुझे तो एडिशन चाहिए था, इक्वल टू नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे था नहीं, इक्वल टू अगले में है, अगले में लूंगा, जहां इक्वल टू है वहां लेना है, जहां नहीं है वहां नहीं लेना है। अब इधर बताओ जरा, लेफ्ट हैंड साइड में सब्ट्रैक्शन हो रही है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, राइट हैंड साइड, अब दोनों बराबर चाहिए, बराबर के लिए मैं चाहूंगा इस साइड भी सब्ट्रैक्शन हो, पर अगर इस साइड भी सब्ट्रैक्शन चाहिए मुझे तो दोनों नंबर सेम साइन के होने चाहिए, क्या कह दूंगा, ए इंटू बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। इक्वल टू क्यों लगाया मैंने,
तो पी क्वालिटी, समझ गए। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या करे जा रहे हैं, कोई बात नहीं, वीडियो देखना ध्यान से, बहुत कुछ नहीं कर रहे, बहुत ऑब्वियस सी चीजें बोल रहे हैं, लेकिन बहुत ही बार एक चीज बोल रहे हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से सबको ही समझ आ रहा होगा, अभी तक किसी ने ऐसा लिखा नहीं है कि समझ नहीं आ रहा। बच्चे लिख रहे हैं मजा आ रहा है, हाँ मजे लो मजे, बहुत बढ़िया। चलो अगले पे चलते हैं। फोर्थ, अब ए का मॉड माइनस बी का मॉड का होल मॉड मुझे चाहिए लेस देन इक्वल टू ए प्लस बी का मॉड, ये है। अब लेफ्ट हैंड साइड बताओ एडिशन या सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, इस साइड में एडिशन और सब्ट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। अगर सब्ट्रैक्शन हुआ तो दोनों बराबर हो जाएंगे, अगर इधर एडिशन हुआ तो ये बड़ी हो जाएगी। तो ये तो जनरल है, ये तो हमेशा वैलिड है, जो पहले कंडीशन लिख रहा हूं ना ये इट इज ऑलवेज वैलिड, सब में जो सबसे पहले नंबर पे लिखी है। फिर उसी के दो पार्ट और बनाया मैंने, उनके लिए कंडीशन लिखी है कि इक्वालिटी कब आएगी और इनइक्वालिटी कब आएगी। अब इसके लिए भी लिख लेता हूं, ए का मॉड माइनस बी का मॉड का होल मॉड लेस देन ए प्लस बी का मॉड, ये देखेंगे कि ऐसा कब होगा, और ए का मॉड माइनस बी का मॉड का होल मॉड इक्वल्स टू ए प्लस बी, ये देखेंगे कि ऐसा कब होगा। अब तुम मेरे साथ साथ बोलोगे, चिल्ला चिल्ला के बोलना, घर वाले सुन लेता कि पढ़ाई कर रहा है बच्चा ये। अब तुम सीधे बोल दो सेम साइन या ऑपोजिट साइन, मैं तुम्हारे कहे पे लिख दूंगा, तुम खुद ही लिख दो सेम साइन ऑपोजिट, तुम सेम लिख रहे हो तो मैं भी सेम लिख देता हूँ, सेम साइन का मतलब ग्रेटर देन जीरो। अब इसके दूसरे वाले के लिए लिख दो, जो तुम कहोगे मैं लिख दूंगा। तुम कह रहे हो ऑपोजिट साइन, तो ए बी लेस देन इक्वल टू जीरो, ऐसे लिख देता हूँ। अब एक बार देख लेते हैं कैसे कहा इन्होंने, इधर सब्ट्रैक्शन होनी है जरूरी है, इधर क्या होनी है सब्ट्रैक्शन, ये तो होगी, कोई भी नहीं रोक पाएगा दुनिया में। और ये साइड बड़ी चाहिए तो मैं क्या चाहूंगा कि इधर एडिशन हो जाए, तभी तो ये साइड बड़ी होगी, और ए और बी बीच में प्लस का साइन है, दोनों ऐड कब होंगे, जब दोनों सेम साइन के होंगे, सेम साइन के। और सेम साइन को कैसे लिखते थे, ग्रेटर देन जीरो, इक्वालिटी नहीं थी इसलिए यहां भी नहीं लगाई। अब ए का मॉड माइनस बी का मॉड ये इक्वल्स टू, इधर क्या हो रही है सब्ट्रैक्शन, दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती, इधर भी क्या होना होगा सब्ट्रैक्शन, दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल पाएगी, तभी तो बराबर होंगे। और सब्ट्रैक्शन कब होगा इसमें, सब्ट्रैक्शन तब होगा जब ये दोनों ऑपोजिट साइन के होंगे, ऑपोजिट मतलब ए इंटू बी लेस देन इक्वल्स टू जीरो, स्वाहा। बस अब मैं ना तो रिपीट कर सकता हूँ इस पूरे को, क्योंकि ये तो जो भी कह रहे हैं रिपीट करने को, ये तो चौथी बार हो रहा है, फोर्थ बार, चार प्रॉपर्टीज लिखे, चारों सेम लॉजिक से लिखे, अब रिपीट नहीं कर सकते इसको। वीडियो देखना, चाहे वीडियो 50 बार देखो मैं बुरा नहीं मानूंगा, लेकिन मेरे से बार बार ऐसे ना कहलवाओ, मैं बुरा भी मान सकता हूँ। और यकीन मानो अगर मैं बुरा मान गया, हाँ चलो अब मैं तुम्हें इससे एक क्वेश्चन दिखाता हूँ कि क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन दिखा देता हूँ, एक वैसे डेमो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन करेंगे तो अगली बार इसके प्रैक्टिस, लेकिन ऐसे ही एक रैंडम क्वेश्चन मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये प्रॉपर्टीज ऐसे कैसे यूज होंगी क्वेश्चन में, कि क्या कहना चाहता होगा प्रॉपर्टीज से या कैसे यूज होंगी, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो दिखाई देगा। मुझे वो क्वेश्चन देगा कुछ ऐसा, देखो मुझे वो क्वेश्चन देगा एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस वन का मॉड, थोड़ा खतरनाक क्वेश्चन दिखा रहा हूं ध्यान से, टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फोर का मॉड प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव का मॉड, ये तीन चीजें लिखी हुई हैं ऐसे, देख लिया तुमने। अब वो प्रॉपर्टीज हमने अभी लिखी थी, मान लो हम भूल गए सारी प्रॉपर्टीज, फिर से कॉमन सेंस से लिखेंगे। देखो सबसे पहली चीज तुम्हें ऑब्जर्व करनी होगी, यहाँ पे एक टर्म है यहाँ पे दो टर्म है, ये देखो इन दोनों टर्म्स को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करके क्या ये आ रहा है, इन दोनों को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करके, इन दोनों टर्म्स को ऐड जो इनपुट में लिखे हुए हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके ये आ रहा है, सब्ट्रैक्ट करके आ रहा है, ऐसा कहना चाह रहे हो ना, बिल्कुल सही, क्योंकि दिस माइनस दिस, तो मैं थोड़ी देर के लिए इसको ए लिख लूं,
इसको बी लिख लेता हूँ अपने मन में, इसको ए मान लिया थोड़ी देर के लिए, इसको बी, तो इधर बना ए का मॉड, इधर बना बी का मॉड, ये ऐसे आया, और इधर बना ए माइनस बी का मॉड, क्योंकि तुम कह रहे थे सबट्रैक्ट करके, तुम्हारी बात मान लेता हूँ, मेरे को तो सबट्रैक करने में थोड़ी दिक्कत है, लेकिन तुम कह रहे हो तो मैंने मान के लिख लिया, सही है। चलो अब फिर से वैसी सी प्रॉपर्टी नहीं दिखी, सेम, अब हमने मान लिया हमें प्रॉपर्टी याद नहीं है, अब याद नहीं है तो क्या करेंगे, दिमाग तो है, कॉमन सेंस लगाएंगे, इधर क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, अब ये साइड बड़ी चाहिए तो मुझे चाहिए होगा कि मैं इधर सब्ट्रैक्शन कराऊं, और इधर सब्ट्रैक्शन कराने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, बोलो जरा, सब्ट्रैक्ट कराने इनको, सब्ट्रैक्ट, सेम साइन चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा, सेम साइन चाहिए होगा, और सेम साइन का मतलब होता है ए बी ग्रेटर देन जीरो, इक्वालिटी नहीं थी इसलिए यहाँ भी नहीं लगाई, सेम साइन का मतलब होता है ए बी ग्रेटर देन जीरो, इस प्रॉपर्टी का इतना ही यूज है। अब आगे चलते हैं, ए क्या था, ए था 2x² + 3x + 4 इंटू बी क्या था x² + 6x + 5 ≥ 0, क्या ये वेवी कर्व का क्वेश्चन दिख गया तुम्हें, क्या ये वेवी कर्व नहीं बन गया, क्या कहते हो, बिल्कुल बन गया, अब इसको भी फैक्टराइज करोगे, इसको भी फैक्टराइज करोगे, ग्रेटर देन जीरो नंबर लाइन बनाओगे, एक्स की वैल्यूज बता दोगे वेवी कर्व, अब इससे आगे क्या करना है तुम्हें, वेवी कर्व लगा लेना, और वेवी कर्व में तो अब तुम सब माहिर हो गए हो, अब वेवी कर्व से एक्स की वैल्यू निकाल दोगे, आंसर आ जाएगा, समझे, वो क्वेश्चन में ऐसे लिख के नहीं देगा, ये प्रॉपर्टी यूज करनी है, हाँ थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तुम्हें समझ आ जाएगा, अभी तो इसका पहला ही क्वेश्चन देखा है हमने, और पहला क्वेश्चन देखा है तो थोड़ा ऑब्जर्व करना सिखा रहा हूं अभी मैं, अगली क्लास में कुछ कुछ क्वेश्चन और कराऊंगा, उसके बाद इसकी डीपी भी दूंगा, ठीक है, अगली का आज के लिए तुम्हारा काम क्या है, आज के लिए काम क्या है, सुनो ध्यान से, सारी प्रॉपर्टीज खुद से डिराइव करके देखोगे, सारी कॉमन सेंस पे बेस्ड प्रॉपर्टीज है, वीडियो देखोगे एक बार पूरी, नोट्स बना लोगे वीडियो के साथ साथ, और फिर लिख रहे हैं बच्चे, क्या लिख रहे हैं, बोलते बोलते ना बीच में लिखते हो, सर आप कह रहे थे कि आप सेटिस्फाई नहीं हो, क्यों है, मैंने कब कहा है, बच्चा लिख रहा है कि सर आप कह रहे थे कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो, क्यों, कोई नलायकी करी होगी तुमने, इसलिए नहीं होगा, और तो क्या ही वजह होगी, वैसे तो मुझे याद नहीं है, तुम अपने बुरे कर्म याद करो, कुछ करा होगा तभी मैंने कहा होगा सेटिस्फाइड नहीं हूं, और तो क्या ही मेरा रीजन हो सकता है, तुम सेटिस्फाइड हो कि नहीं मुझे ये बता दो, चैट बॉक्स पे लिखो सब, यस और नो,